आयोनाइज गैसेस एटम को हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? आयोनाइज गैसेस एटम को हम क्या बोलते हैं? एनोड रे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। याद आया कुछ? समझ में आ गया? लिखो अब। चलो, कहाँ तक कर लिया था? नाइट्रोजन का लिख रहे थे। हाँ, नाइट्रोजन का लिख रहे थे ना। नाइट्रोजन के लिए लिखो एग्जॉस्ट। नाइट्रोजन कहाँ से आपका मतलब NO2 आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। एरो डाल के लिखना प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? एग्जॉस्ट जानते हो आप लोग? एग्जॉस्ट सिस्टम क्या क्या होता है? एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है? मतलब गाड़ियों के एग्जॉस्ट से आपका क्या निकलता है बेटा? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए बोलते हैं ना गाड़ियाँ कम चलाया करो, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को क्यों अभी इतना इतना तवज्जो दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को क्यों इतना मतलब आगे सपोर्ट में लाया जा रहा है? क्योंकि एग्जॉस्ट से NO गैस नहीं निकलेगी। NO गैस नहीं निकलेगी तो अब देखो ये बेचारे के सारे NO गैस है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी आपको पता पड़ेगा कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यह तो था हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब लिखो हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की वजह से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है? कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब क्या होता है? वो कैंसर क्रिएट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में क्या होता है बेटा आप लोगों का? हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब नेचर में कैसे होते बेटा? कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या होगा बोलो, मतलब आपके कैंसर को क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे बेटा? कैंसर को। समझ में आ गया? अगला लिखो हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझ लेना बस एक ही बार में। हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन। मतलब क्या बेटा? इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से यह आपका एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से? इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से यह आपका एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अब आपसे कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा? यहाँ पर ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर लो, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हम मैंने एंड में लास्ट ईयर भी लगा लेंगे, इसका लास्ट ईयर लगा लेंगे, और मैं आपको 45 क्वेश्चन की DPP दूंगा, उसको भी लगा लेंगे, ताकि हमको सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए वापस से, ठीक है ना? और इस चैप्टर को एक ही बार पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि इससे एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन हमारा कि क्या ना हो बेटा, गलत ना हो। और है ना जी, जैसे ही तुम्हारा एनवायरनमेंट खत्म हो जाए, तो इस साल जितने भी JEE मेंस में पेपर आए हैं, सारे पेपर को क्या करोगे? उठाओगे और उसमें चेक करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे, उन सारे क्वेश्चन को रीड मारोगे, और फिर क्या करोगे बेटा? उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना? लास्ट ईयर के मैं तुमको बना के दूंगा सारा सब कुछ, ठीक है ना? उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का था, ठीक है? तो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसके बाद हाइड्रोकार्बन का आपको समझ में आ गया। अब लिखो यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। मैंने क्या बोला था बेटा? ये आपके किस टाइप के? अभी मैं पोल्यूटेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ, गैसेस पोल्यूटेंट। कितने टाइप के पोल्यूटेंट बताए थे बेटा मैंने? गैसेस और पार्टिकुलेट, हाँ, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। वो किसको पोल्यूट करते थे? कौन सा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे? एटमॉस्फेरिक। और एटमॉस्फेरिक में भी कौन सा? ट्रोपोस्फेरिक।
ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है बेटा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैसे करेंगे बेटा समझना, CO का कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग बहुत प्यार से, कैसे कैसे होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में। अब देखो जो आपका कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है, किससे बनता है, इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, क्या होता है इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन। आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने मैं तुम्हें बताऊँगा, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ कंबंशन, याद आ गया हीट ऑफ कंबंशन, समझ में आया, ये याद आया, वहाँ तुमने पढ़ा है ये तो फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में भी 5 से 6 बार पढ़ोगे और ऑर्गेनिक में भी 10 से 12 बार पढ़ोगे तुम ये, ठीक है। तो क्या होगा इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ, समझ में आ गया ये इनकम्प्लीट कंबंशन। अब ये बताओ कार्बन का इनकम्प्लीट कंबंशन का प्रोडक्ट क्या होगा, CO, और कंप्लीट कंबंशन का क्या होगा, CO2, कंप्लीट कंबंशन का क्या होगा, CO2, और इनकम्प्लीट कंबंशन का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा आपका, CO, बात क्लियर है। तो इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन होगा तो क्या बनेगा बेटा आपका, CO गैस। अब क्या हो रहा है कि नेचर में आपका CO गैस बन रहा है, CO गैस क्या होगा बेटा आपका बोलो, यहाँ पर ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन, तो ब्लड हीमोग्लोबिन से क्या कर जाएंगे बेटा ये आपके, बोलो जल्दी से, ब्लड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करेंगे क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे ये आपके कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे ब्लड को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की ना, तो वो एक्चुअली जनरली क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ब्लड का ब्लड हीमोग्लोबिन अगर आपका ऑक्सीजन के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बेटा बोलो जल्दी से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए क्या नहीं है बेटा, हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल कौन सा है बेटा, ब्लड हीमोग्लोबिन, हमारे लिए हार्मफुल कौन सा है बेटा, ब्लड हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, घरों में घर में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके कभी भी है ना वो क्या बोलते हैं, लकड़ी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, बोलते हैं ना क्यों बोलते हैं बेटा, अब सुनना, जब मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए तो आपके ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगा, ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटेड सप्लाई। जब आपके ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, समझ में आ गया। तो मतलब इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन मतलब या फिर आपका पार्शली कंबंशन प्रोडक्ट आपका CO को हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बोलो क्या बोल सकते हैं, पार्शियली कंबंशन, मतलब पूरी तरीके से कंबंशन नहीं हुआ है, कि क्या हुआ है, पार्शियली कंबंशन। तो पार्शियली कंबंशन प्रोडक्ट आपके आपको कैसे मिलेगा, हाँ, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, किसके साथ, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब मैं घरों में मान लो खिड़की बंद कर दिया और मैंने जला दिया तो आपको बाहर से ऑक्सीजन मिल पाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपने कार्बन जलाया है वो लेस अमाउंट के ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अगर सोएंगे, सर्दियों में ऐसा ही करते थे ना, लेकिन घर बंद नहीं करते, सोएंगे तो आपके आपके पास कौन सी गैस जाएगी, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाएगा। आप देखो समझ में आया, बात क्लियर है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर ध्यान रखना ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, समझना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
आपका दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? अब आपको याद रहेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बता दिया, यहाँ पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, वो भी कितने टाइम्स होती है? 300 टाइम्स। यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 300 टाइम्स आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? क्लियर हुआ पॉइंट आपको? आप देखो, अगर इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में हाईली अमाउंट में बन गया, ठीक है, आपके बॉडी में क्या बन गया बेटा? हाईली अमाउंट में, अगर आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके हाईली अमाउंट में बन गए, तो हाईली अमाउंट में बनने की वजह से ये आपको क्या करेगा बेटा? डेथ को कॉज करेगा, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? मीठी नींद। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। समझ में आ गया? हंसते हंसते कट जाए रास्ते। समझ में आ गया? पता भी नहीं पड़ेगा कब मरोगे, लेकिन मर जरूर जाओगे, गारंटी है, ठीक है। समझ में आ गया? मरने, आत्महत्या करने के लिए सबसे सही तरीका ये है, सुसाइड करना हो तो ऐसे करो, ताकि ना आपको प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि ये सीओ आपको अनकॉन्शियसनेस भी आपको क्रिएट कर देगा। समझ में आ गया? चलो आगे बोलो। आगे देखो, आगे एक और ऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भी हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों हार्मफुल है? बोलो जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? लेकिन CO2 क्यों हार्मफुल है सबसे पहले बताओ। CO2 कैसे बनेगा बेटा बोलो? CO2 कैसे बनेगा बोलो? CO2 आपका बनेगा पहला तो रेस्पिरेशन। अगर आपके प्लांट्स नहीं करेंगे तो क्या आपका CO2 बनेगा? हाँ, CO2 किससे बनता है? रेस्पिरेशन से। कैसे बनेगा आपका? रेस्पिरेशन से। तो सबसे पहला आपका रेस्पिरेशन से बन जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन से आपको CO2 मिल जाएगा। सेकंड, आपने NCERT घर जाके पढ़ी थी ना, याद हो गया बेटा टॉपिक? अगर हैंड टू हैंड पढ़ते हो तो याद होते जा रहे होंगे बेटा, ठीक है ना। जेट प्लेन वाला ये याद हुआ? जेट प्लेन आपके ओजोन लेयर के ऊपर क्यों उड़ते हैं? नीचे क्यों उड़ते हैं? नीचे एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फीयर में, तो क्या होगा कि ब्लास्ट तो होने के, मतलब एयर वहाँ पर है ना, ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से एक्सीडेंटल होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। इसीलिए अब आप देखोगे कि फ्लाइट जब है ना, फ्लाइट भी सिंपल समझ लो, फ्लाइट जब आती है ना नीचे, धीरे 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 आती है, ऐसे नहीं आती कि सीधा फ्लाइट नीचे आती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम करते हैं ना। क्यों करते हैं कम? जितना ज़्यादा फ्लाइट है ना तेज उड़ेगा, उतना ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा उसको। जितना ज़्यादा फ्लाइट स्लो उड़ेगा, उतना ज़्यादा उसको नीचे लाना पड़ेगा। समझ में आया? नीचे क्यों? क्योंकि एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है। याद रहेगा? अब याद रखना है बस तुमको, कंबंशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कंबंशन से कौन सा कंबंशन होगा बेटा? कंप्लीट कंबंशन। कौन सा? कंप्लीट कंबंशन, ठीक है। और इसके बाद है ना, यहाँ पर आपका थर्ड वाला आप लोग जानते हो, CaCO3, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब मार्बल को अगर आप करोगे तो CaO और CO2 गैस निकलेगी। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। फोर्थ आपका क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो? वोल्केनो इरप्शन। किससे बनेगा बेटा आपका? वोल्केनो इरप्शन से। अब देखो यहाँ पर, वोल्केनो इरप्शन से क्या बना बेटा आपका? CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखोगे आप लोग, ईजी है कि टफ है? ईजी है, सिंपल बात है। अब एक्चुअली समझना, यहाँ पर हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, प्रोसीजर समझो थोड़ा बहुत। ये हमारा क्या है? ट्री। समझना, ट्री क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब CO2 को लेगा, O2 को बाहर छोड़ेगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ये एक फिनोमिना होगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। अब CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं? अरे हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों को, ट्रीज को कटिंग करते, कट कर दिया।
तो प्रॉब्लम क्या हुई? CO2 लेने वाला गया तो O2 तो मिलना भूल जाओ। तो एनवायरनमेंट में CO2, जो एनवायरनमेंट में मानो कि एनवायरनमेंट में CO2 है, CO2 अगर आपके ट्री ने लिया ठीक है और O2 दिया, अगर आपने उस ट्री को हटा दिया तो O2 तो मिलने से नहीं रहा, वो तो छोड़ो, लेकिन CO2 तो लेने वाला भी नहीं रहा। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, CO2 का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा अगर हम ट्री को क्या करेंगे, कट करेंगे तो एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट में क्या बढ़ जाएगा बेटा आपका? CO2 का कंटेंट बढ़ जाएगा। अब CO2 का कंटेंट बढ़ जाएगा तो O2 वो क्या आपको जीने के लिए CO2 की जरूरत है कि O2 की? तो ये वाला साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक आपका हो जाएगा, साइकिल आपका ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला साइकिल आपका क्या आपका हो जाएगा, साइकिल विल ब्रेक। ठीक है, अगर मैंने ट्रीज को कट किया तो क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका, साइकिल आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीमेंट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। किसका रीजन है बेटा ये आपका? ग्लोबल वार्मिंग। अब बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसी को याद है? तुम लोगों को काफ़ी इजी लगता है ग्लोबल वार्मिंग, इजी टॉपिक है ना, तो बताओ क्या होता है बोलो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इजी टॉपिक है, बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? अब समझो, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या समझते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस क्या होता है, सबसे पहले ग्रीन हाउस बनाते हैं, समझेंगे बेसिक कंसेप्ट से। ग्रीन हाउस बनाता हूँ, एक मैंने क्या लिया बेटा, ग्लास का कंटेनर लिया। ग्रीन हाउस कैसे बनाते हैं? एक मैंने ग्लास का सराउंडिंग लिया, ठीक है समझा, यहाँ से सन आया, सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? यूवी रेडिएशन आएगी। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर प्लांट्स है, अंदर क्या है बेटा, प्लांट्स है, अंदर क्या है बेटा, आपके प्लांट्स है। ये विंटर जहाँ पर विंटर या फिर जहाँ पर आपके टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर हम क्या बनाते हैं बेटा, ग्रीन हाउस बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ग्रीन हाउस। अब बेटा किसी भी क्रॉप को डेवलप करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि क्रॉप ऐसा थोड़ी ना कि ठंड में जनरेट होगी, नहीं होती ना, क्रॉप के लिए मुझे कोई ना कोई टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा थोड़ी ना कि 0°C पे क्रॉप आपकी डेवलप हो रही है। तो क्रॉप को डेवलप करना है कि नहीं करना? तो क्रॉप को डेवलप करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी वो क्या करेगा बेटा, ये आपका ग्लास का ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास, ये आपका ग्लास कैसा है बेटा, ट्रांसपेरेंट। ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा बेटा, अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब इतना बढ़ जाएगा जिससे प्लांट आपका ग्रो होने लग जाएगा। समझ में आया? ये तो मैंने क्या बनाया बेटा, ग्रीन हाउस, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बेटा आपका, ग्रीन हाउस। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ पे क्या होगा, समझना, अर्थ पर क्या होगा कि ये मैं बना रहा हूँ अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ पर क्या होता है, अर्थ पर हमारा यहाँ पर कोई ना कोई लेयर होते हैं, समझना, ओजोन लेयर तो बाद में, तुम्हें ओजोन लेयर के अलावा कोई लेयर ही नहीं पता। अब क्या होगा, सन क्या करेगा बेटा बोलो, सन क्या करेगा, चमकेगा, चमकता ही है ना सन, हाँ चमकता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ पर भेजेगा, थोड़ी सी भेजेगा। अब इसमें से क्या होगा बेटा, इसने भेजा,
इसमें से 75% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, 75% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, और 25% आपको क्या कर देता है, क्या कर देता है बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। 25% क्या कर देगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो आपके CO2 रहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पर कौन से गैसेस रहेंगे बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे बेटा, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर भी एब्जॉर्ब था ना, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके यहाँ के टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे बेटा, मेंटेन करके रखेंगे। टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे बेटा, मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बात के लिए क्लियर हुआ। अब अगर मैंने ट्रीज को कट कर दिया तो CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया। अब CO2 बढ़ गया तो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, मतलब अगर मेरे ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब इसकी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या मेंटेन रह पाएगा, टेम्परेचर विल नॉट मेंटेन, टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। आप समझ में आया CO2 का इनडायरेक्टली क्या खेल है, क्या खेल है, समझ में आया। तो ये टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, राइज आपका हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर अगर आपका बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया, मतलब आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ के चारों ओर गैसेस की लेयर होती है ना, तो गैसेस की लेयर अगर बेटा अर्थ को, अगर अर्थ में अर्थ वो वहाँ से रेडिएशन आएगी, गर्मी आएगी, गर्मी में 75% तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्स्ट्रा अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसने यहाँ पर भी एब्जॉर्ब करता है 25%। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो आपके क्या हो गए, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएगा, नहीं। अगर वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा, आइस मेल्ट होने लग जाएंगे, वो आपके आइस वाले जो एरिया है वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके मेल्ट होने लग जाएंगे, और आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा बेटा, आपका फ्लड आ जाएगा, ठीक है, फ्लड आएगा। और आइस कौन से वाले में मेल्ट होंगे, पोलर आइस आपके मेल्ट होंगे, पोलर एरिया में जो आइस होंगे वो आपके मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे तो क्या?